हे गाइज, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइज? आज हम लोग देखने वाले हैं 5 सेकंड्स चैनल से एक अनदर वीडियो खजाना, 5 सेकंड्स राउंड टू हेल। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, एक बार मुझे अंदर आके चेक करने दो। चेक करने में कोई गलत बात नहीं है। सॉरी सर, माफ करना, मैं आपको अंदर आने नहीं दे सकता क्योंकि ये जो खजाना है नवाबों का है, मैं सिर्फ उन्हें ही अंदर आने दूंगा। देखो, अगर ऊपर कंप्लेन हो गई तो तुम्हारी गांव फट सकती है। आपसे जो उखड़े आप उखाड़ लीजिए, वो खजाना नवाबों का है, मैं सिर्फ नवाबों को ही दूंगा। ठीक है। बीड़ी फूके जा रहे हैं। What? तालिब भाई, हद दे यार। अरे जनाब आप। अरे जनाब आप, क्या हाल है आपके? अरे चाय लाओ जनाब के लिए। चाय क्यों, मसाला चाय मंगाओ। मसाला चाय लाओ। और जनाब कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे आजकल। अरे क्या बताऊं यार, एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है, इतनी बिजी लाइफ है मेरी। अभी आ रहा हूं बस दुबई से। दुबई क्या करने गए थे? अरे वो अपने शेख साहब है ना, वो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं, उसी के लिए गया था। इसमें शेख साहब से तुम्हारे क्या लेने देना? शेख साहब मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं, मशवरे के लिए बुलाया था मुझे। कुछ भी कहो, इस गाँव में तरक्की तो आपने करी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो हम भी नवाब ही होंगे। अरे छुट्टन मियाँ आप, अरे एक कप छुट्टन मियाँ के लिए भी दो। ओ साला छुट्टन मियाँ होगा तेरा बाप। और तुम जो लंबी लंबी फेंक रहे हो ना यहाँ पे, सब सुन लिया वहाँ बैठे बैठे मैंने। क्या फेंक रही है मतलब? और शेख साहब से ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? मुँह से काय का शेख है ये, तुझे पता क्या करा दुबई में जा गए? क्या करा है मतलब? अरे अरे छोड़ो यार, कुछ ना छोड़ो छोड़ो। अरे ना यार, कोई ना सुनिए, छोड़ो। अरे टॉपिक चेंज करो यार। अरे यार छोड़ो यार। अरे ऐसे कैसे छोड़ो यार, अरे शेख साहब समझ नहीं रहे तुम। अरे ये बेइज्जती कर रही है तुम्हारी। अरे तू बता छोड़ो यार। अरे ना ऐसे कैसे छोड़ यार, जब सुनने का सुना यार। छोड़ो यार तू बता। अरे यार छोड़ो यार, छोड़ो चुप बता। चलो फ्लैशबैक में चलो। वल्ला हबीबी, मैं क्या सोचती इस बुर्ज खलीफा से भी ऊंची अपनी एक मूर्ति बनवा दी। वल्ला हबीबी, ये तो बहुत अच्छी बात होती, और हम भी सोचती कि अपने एक पेट्रोल पंप में आग ही लगा देती। क्यों शेख साहब? अरे और क्या करती, इतना दौलत होती कि खर्च ही नहीं होती, खर्च ही नहीं होती, परेशान हो गई होती। इतना अमीर होना भी एक जुल्म होती। शेख साहब हमें एक राय दें। हम तुमसे लेती राय। उल्लू के पट्टे तुम इधर आती। जी हुजूर। तुम कल रात हमारा चूसने क्यों नहीं आई? शेख साहब मुंह में छाला निकल लिया था। बहाना लेती। अब्बू जी। हाँ। हमको टट्टी आती। जाके करके आती। कल गई। ईश्वर, इसको लेकर जाती और इसकी गांड धुलवा के लाती। है मैं क्यों धुलवाऊंगा? मेरा मतलब है मैं क्यों धुलवाऊंगा, मैं चाट दूंगा ना। और लो इस तरह क्यों करिए इन्होंने? छी छी छी, किस कदर गंदा। खैर ये सब छोड़ो, तुमने आज की न्यूज पढ़ी है? कौन सी न्यूज? देख, एक औरत ने किया चार आदमियों के साथ दुष्कर्म, चारों गए जेल। साला अनपढ़। फैकुपुर में एक आदमी को मिला है खजाना, और उस खजाने पर नवाबों की मोहर है, और उस आदमी का कहना है जो असली नवाब हो वो खजाना आकर ले जाए। अबे तो नवाब साहब आएंगे और खजाना लेके चले जाएंगे, इसमें हम क्या करें? अबे तो साले, नवाबों का खजाना ये सबको पता है, लेकिन नवाब को नहीं किसी को पता है। तो तू क्या चाहता, हम मिलके नवाबों को ढूंढे? इतना टाइम ना भैया हम बैठे। अरे यार अबे, दम इंसान समझा ले कुछ बेअकल को। अबे इसके कहने का मतलब है क्यों ना हम नवाब बन जाएं? क्या क्यों ना हम नवाब बन जाएं? क्या अबे अबे क्यों ना हम नवाब बन जाएं? नवाब की सुकड़ी हुई झांट, सिक्योरिटी गार्ड बनने की तेरी औकात नहीं, तू नवाब बनेगा। अबे ओ, ये नकली नवाब बनने की बात कर रहा है। हाँ
समझ में नहीं आ रहा। अरे कहाँ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो, पैसे तो दे जाओ। अरे यार मेरा पर्स घर रह गया, तू दे दीजिए। मेरे खाते में लिख दो। कौन से खाते में लिख दो? इसने तो पिछले भी 23 रुपए ना दिए भाई, इसके नाम पर उधार नहीं दूंगा मैं। मैं फजलू, तुमने मुंह फाड़ के तो कह दिया कि नकली नवाब बन जाएंगे और खजाना ले लेंगे। असली नवाब कैसे दिखते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कुछ पता तुम्हें? मैं तू की टेंशन ले रही है, पूछ लेंगे किसी से। अबे तो किससे पूछेगा तू, इनसे पूछते हैं भैया से। वाह क्या है भैया, क्या करते हो तुम? चलते फिरते होगी गाड़ मारू मरवा का। फालतू की बात क्यों पूछ रहे, अपने काम की बात पूछना। अरे भैया आप नवाब के बारे में जानते हो? हाँ जाने हैं। तो यार हमें बताओ ना उनके बारे में। अलबे तेरी मैं कुछ ना बताता हूँ मैं। पैसे ले लो। ला 1400 रुपये। 1400 रुपये? इतनी सी बात, कितने पैसे? अबे ओ तुझे पूछना हो पूछ, बनना अपनी। अच्छा ले लो भैया। देखो भाई नवाब तो नवाब ही होते हैं। करते क्या थे? अरे जो कुछ नहीं करते वही तो नवाब होते हैं। अच्छा फिर चलियो मैं। हाँ इतनी सी बात के 1400 रुपए लेके चला। अच्छा नवाब साहब ओ तुझसे कह रही हूँ। देख नवाब कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं नवाब कुछ भी। जगह तो यही है पेपर के हिसाब से। यहाँ तो कोई भी ना है। नवाबों का गेटअप तो ले लो, अंदर से भीड़ होगी यहाँ पे। जल्दी खजाना ले और चल यहाँ से। हाँ भाई साहब क्या काम है? मैं भाई साहब क्या चाहिए, क्या हो गया, क्यों खड़े हो यहाँ पे? चुपचाप भाई बोलोगे, लगता है भाई जरूरी काम हमसे है। अबे बोलता कैसे ना है, क्यों क्यों खड़ा है यहाँ पे साले जाहिलो, कमबख्त तो क्यों खड़े हो यहाँ पे? अबे उजड़ो कौन हो तुम? हद है यार, पूरी पागल आदमी है यार, मतलब दूसरे आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे है? अबे बताओ अच्छे घर के आगे खड़े हम पूछ रहे, तो हमें बताना रे, बताओ बिल्कुल ही एटीट्यूड इतना तो बोल देते कि नवाब है। अबे बोला क्यों ना तू साले, तूने तो कही मैं नवाब हूँ, नवाब किस ने कर दी सामने रैपटा पड़वा दिया मेरा साले। हमें तो तुम तीन ही चूतिया लग रहे हो। अबे अगर तुम्हें पुरानी चीजों के बारे में जानना ही था तो किसी इतिहास के मास्टर से पूछते ना। अब हमारे गौरव सर को ले लो, क्या गजब के मास्टर थे, इतिहास को अपनी उंगलियों पे लेके घूमते थे। कौन सा नवाब क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, क्या लेता था, क्या देता था, अजीब बस पूछो हिम्मत, बहुत गजब के मास्टर थे। अच्छा कौन है ये गौरव सर, कहाँ मिलेंगे? अबे हम स्वयं गौरव सर हैं। सर जी नमस्ते। अरे तो सर बता रहे नवाबों के बारे में, ये मुहूर्त निकलवाओगे? चुप बे, मैं झांटुआ सा बात नहीं करता। तो सर आप इसे छोड़िए, मुझे बता दीजिए। देखो बेटा जो नवाब थे वो हमेशा नेकर पहनते थे और उनके गले में लाइट होती थी और उनके पूरे शरीर पर एक जरूरी झालर होती थी और उनका मुंह काले रंग से पुता हुआ होता था भाई, ये पिटवाएगा। एक उपला भी होता था और उनके हाथ में झाड़ू और फावड़ा होता था। शुक्रिया सर। मत जाना ऐसा हुलिया बना के। हेलो बे भीग भीग ना मिल ले यहाँ पे। भिखारी ना है हम, नवाब है। नवाब सालो भिखारियों ऐसी शक्ल के, भागो यहाँ से। मुस्ताकी लगता है इसे ऐसा पता नहीं चलेगा कि लाइटें जलेंगी तभी मानेगा, लगा माफी मांगेगा भी है, माफी है जब लाइटें जल जाएंगी। नवाब साहब देख के शॉक लगेगा। अब कुछ करना पड़ेगा, पानी सर से ऊपर जा चुका है। हाँ तो टंकी बंद कर दे फिर।
मेरा मतलब है अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, मैं उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। ओके सही बोल रहा है मुराद। चलो रेडी हमला। जल्दी आ, हमें बॉम्ब से पूरा करना है, जिंदा गुस्सा है, जल्दी जा। मटके में खजाना था। मुराद उठ, अपना मकसद पूरा हो गया, हमें खजाना मिल गया। खजाना ला, खजाना खा। क्या है? ये है टेढ़ी उंगली से निकला हुआ घी। घी निकालने को बोला था, असली घी लाने को नहीं बोला था। आए हाय तू मामला, मेरी जान वहाँ जोखिम में आ गई और तू साले घी निकाल के लाया, वहाँ घी निकाल के लाया। आए साला तुम दोनों के तरीके गलत है, किसे नाप मारे पूछ रहा हो? अबे उस समय से नाप को देखा हो तो गांव में तो कोई इतना पुराना है ही ना जिसने नवाबों को देखा हो। असलम चच्चा, असलम चच्चा, ये सपनों की रानी कब आएगी तू, बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया ओ चलिया चलिया। ए बोतल ला तेरे को, तेरी माँ की चुटिया काटूं? दे दे। अबे बोतल दे दे, धोनी है। तुम्हारी माँ का चले जाओ सालो, दिखमजी है। अबे पता यार गांव के बुजुर्ग आदमियों को परेशान करते हैं ये। अबे सालो वो हमसे उस बात को लेकर अब तक चिढ़े हुए हैं, हमारी सूरतें भी देखना नहीं पसंद करते, वो क्यों बताएंगे हमें? अब तो सब भूल गए होंगे वो, उनकी दोनों टांगे तो कब्र में। आओ चलो। मटका भर घी उठा कर लाए। वाह चाचा, तू तो कह रही है इसके पैर कब्र में पड़े, ये तो कहीं और ही जा रहे हैं। अपना काम कर यार, बता रहा हूँ मैं यार, डालो यहाँ इतनी बदतमीज ना हो जितनी समझ रखा। इतनी शरीफ नहीं है तू जितनी मुझे बन के दिखा रही है, मार दी ना एक कोनी तो पूरे कमरे में दोनों बहनें नोड़ी नोड़ी फिरोगी। चुपचाप करती रहे। अरे मसाज कर रही है, पत्थर घिस रही है। चाचा वो तितैये ने काट लिया था हाथ में। शुक्र कर तेरे हाथ पे काटा, मेरे हथियार पे ना काटा, वरना तेरा क्या हाल करता मैं। एक बात तो बताओ। हाँ पूछ। इस गांव में सबसे लंबा, सबसे लंबी तुम्हारी ही उम्र है ना? मेरी उम्र भी लंबी और मेरा भी लंबा। अच्छा फिर तो तुमने नवाबों को भी देखा होगा, ये अपने गांव में रहते थे। हाँ देखे तो हैं, लेकिन ये क्या चुप रिया मेरे? चाचा कुछ ना पहन रखा पहन। अरे चाचा तुम नवाबों के बारे में बताओ, कैसे रहते थे वो, कैसे दिखते थे वो? अरे नवाबों का तो रुतबा ही अलग होता था, वो जमान के बहुत पक्के होते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा अपने साथ दो नौकर रखते थे और उनका बहुत ही लंबा होता था कुर्ता, ऊपर से लंबी टोपी पहनते थे। अच्छा हाँ, और लल्ली नवाब जेम्स बॉन्ड और नवाब रोनाल्डो के साथ तो मेरा बहुत अच्छा उठना बैठना था। तो बुड्ढे तू फेंक रिया जेम्स बॉन्ड नवाबों का रुतबा होता था, वो तो मेरा भी है। वाह नवाब हमेशा अपने साथ दो नौकर रखते थे, वो तो मैं भी रखता हूँ। अच्छा लेकिन जी? लंबा कुर्ता ऊंची टोपी ये कहाँ से लामे हम? लंबा कुर्ता ऊंची टोपी,
मुझे पता है हमें ये सब चीजें कौन दे सकता है। कौन देगा? मेरी अम्मी देंगी। पहले मैं लूंगा। जाहिल में टोपी और कुर्ते की बात कर रही हूँ। वही तो कह रही हूँ, मैं ही तो लूंगा। हाँ मुझे पता क्या कह रही है तू। आओ चलो। मेरे अब्बा कुछ VIP कपड़े पहना करे हैं। ये समझ लो जब नवाब कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं ना, तो हमारे अब्बा से कपड़े मांग कर लेके जा रहे हैं। देख तू कितने कितने VIP हैं। ये लो मेरे अब्बा का लॉन्ग कुर्ता, ये उनका पजामा। अबे ये लॉन्ग कुर्ता है? अबे हाँ अब्बा के लॉन्ग ही आता था। ये छोटे बच्चे की पजामी। अबे तेरा बाप तुझसे भी छोटा था क्या? अबे ओ साला अब्बा कह रहा फालतू बोले कर तू। क्या चुभ रहा है? तेरा बाप बिल्कुल छुट्टन था, छुट्टन। अबे छुट्टन ना, अबे छुट्टन ना। अब्बा को बोले ना बेहोश। अबे छुट्टन क्या तेरे पापा ढोलकिया भी थे क्या यार? बजा के देख लूं एक बार। ले इन कपड़ों को तो रख दे संदूक में। वाह जो असली नवाब वाले कपड़े हैं वो बगल में पड़े हुए। घबराहट हो रही है यार। क्यों? अगर इस बार उसने पहचान लिया तो भैया तुझसे कितनी बार कहूँ नहीं पकड़े जाएंगे। बस तू अपने अंदर नवाब वाली फीलिंग ला, जैसे तू ही असली नवाब है। तो भैया कैसे फील करूँ? कपड़े पहनने से नवाब थोड़ी हो जाऊंगा, अंदर से तो वही हूँ मैं। अबे हमारे पूरे खानदान में किसी ने अमीरी नहीं देखी। अबे हम वो है जिसके घर रोटी भी एक बार बने पूरे दिन में। हमें नवाब फील करा रही। क्यों ना मैं नवाब बन जाऊँ? ओ नवाब का नुनू तक आगा। अबे देख मेरी बात ध्यान से सुन, सब कुछ भूल जा, बस अपने मन में ये सोच कि तू असली नवाब है, तू नकली नवाब नहीं असली नवाब है, ये सोच। मेरे साथ दोहरा, तू एक नवाब है। तू नवाब है? अबे तू नहीं, मतलब मैं बोलना है। ऐसे बोल, मैं ही एक नवाब हूँ। मैं दूधिया हूँ। मैं दूधिया धंधा भी इसमें न लाना। बोल बोल मैं असली नवाब हूँ। मैं एक नवाब हूँ। हाँ ये मैं हूँ नवाब। में नवाब असली नवाब मैं ही हूँ, आखिरी नवाब। तुम दोनों कौन हो? मैं तेरे दोस्त। हम एक नवाब हैं। तुम आटू झाटुओं को अपना दोस्त क्यों बनाएंगे? वाह क्या एक्टिंग कर रिया, आ खजाना लेने चलना है। ए, अपने इन पलीत हाथों से हमें मत छुओ। और कौन सा खजाना? अगर मेरे खजाने की तरफ आंख उठा के भी देखी ना तो काट डालूंगा। अबे ओ, इसको पड़ेगी। हो रही है अब। ए जाट, तू चुप रह। ए बाबा बस 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 कैफ ना 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 रहने दे, एक्टिंग में रहने दे उसे। अबे ये साला फिर अपने घर में घुस गया। अरे कहाँ है ये मुराद? पता नहीं। ये दूध देकर आना था लाला की दुकान पर। फजलू और कैफ के साथ गया था। क्यूट डॉगी है। बुला ले वरना इसकी माँ। अरे ओ तौफीक के फलाद, कहाँ है तू? मैं कौन है बे? तेरा बाप। बहुत सही पड़ेगी बेटा, सारी नवाबी झड़ जाएगी। दूर क्या रहा है बे सुअर, आके मेरे पैर दबा। बहुत सही। मुराद कहाँ जा रही है? लाला की दुकान पे दूध देने। इसे छोड़ जल्दी, खजाना लेने चल रहे हैं। भैया मुझे माफ करो, मुझे नहीं पढ़ना आपके इन चक्करों में। हाँ साले ओवर एक्टिंग बहुत कर दिया तू।
अबे मुराद पागल मत बन, जल्दी चल, हमें एक बार खजाना मिल गया तो ये दूध वूध दूने की जरूरत ना है, नवाबों की तरह लाइफ जिएंगे हम अपनी। तो खजाना लेके जाएंगे, इसे ना सही से छुपा दो, अगर किसी ने देख लिया बात बहुत ही खराब हो जाएगी। कोई गलती नहीं करनी है, खजाना लेके जाना आज। तुम कौन हो? हम हैं नवाबों के नवाब, आखिरी नवाब, और तुम कौन? मुराद दूधिया। मुरादुद्दौला, नवाब मुरादुद्दौला, आखिरी नवाब हैं। अबे आखिरी नवाब हम हैं, हम हैं आखिरी नवाब, ये हैं। तुम अपनी अम्मा से जाकर पूछो किस नवाब के नाजायज बीज हो। अबे असली नवाब हम हैं, तुम नकली नवाब हो। अबे सालो तुम हो चोर, नवाब कहाँ से लग रहे हो तुम? अच्छा कोई आईडी प्रूफ दिखाओ। तुम दिखाओ नावे। ये रहा दुबई का राशन कार्ड, बुर्ज खलीफा का गेट पास, सऊदी का ड्राइविंग लाइसेंस, इंडिया का आधार कार्ड, और बता क्या चाहिए तुझे? तू दिखा तेरे पास क्या है? हो गया। तो हमारे पास भी अंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पहचान पत्र। बहुत सही। ओहो ये है असली नवाब। नवाब कभी बीड़ी नहीं पीते। बीड़ी नहीं, टोटे उठा के पी रिया है। टोटे पी रहे हैं बताओ। अरे यार टोटा तो वहीं रह गया, ले आऊं क्या? तेरी इन हरकतों के पैसे हमें खजाना ना मिला, जा लिया। क्या एक्टिंग करते हो भाई गोलू भाई, क्या तीनों का मस्त चूतिया बनाया भाई तुमने, तो मजा आ गया। गोलू को हल्के में ले रिया तू, सालो नकली हो तुम। अरे ना ऐसी कोई बात ना, अरे हम इसलिए नवाब। सब सुन लिया मैंने, फैजू कैब। अबे नकली है ये, नकली। अबे हमने नहीं देखा तेरा दूध का उल्टा। अबे नकली नवाब है ये। अबे कौन सा आइसक्रीम का ठेला, आ जाओ। हम चले आए तू आ जाएगा। अबे साले धूप बहुत तेज है, जल्दी आ जा तेरी फट जाएगी। अबे तू चल, ये साला पागल हो गया। अबे पकड़ से जाहिल को, पकड़ से। अबे अबे चल आ जाओ, तू आ जाओ। हाय रहा हम जब गेट खुलवा रहे हैं तो अपने होलिया से कर गए। भाई साहब ये बहुत हरामी है, ये बताता है कि मेरे पास नवाबों का खजाना रखा है, उसके पीछे लड़कियां नचवाता है और दलाली करता है। होशियार खबरदार, नवाब मुरादुद्दौला पधार रहे हैं, लाइए हमारा खजाना हमें दे दीजिए। यहाँ को मिल गया खजाना। चले अबे साले खजाना पजाना कुछ ना, साला दलाल है। अरे 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 मुराद, मुराद तेरा दूध बेचेंगे चल। Hey guys, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करो। ओके यहाँ पे ये वीडियो खत्म। भाई क्या वीडियो थी, वाह। नवाब मुरादुद्दौला पधार रहे हैं एंड नवाबों की कोई क्वालिटी नहीं। अबे सही बताऊँ यार, तो जो नवाब थे असली नवाब, ठीक है, उसमें से कुछ तो अच्छे निकले थे, है ना, और कुछ तो खाली बस एक नंबर के आलसी और उन्हें क्या बोलते हैं,
बस खाली अय्याश टाइप के थे, है ना। कुछ नवाब ऐसे भी थे, बस उन्हें खाली वो नचवाए जाओ, लड़कियां नचवाए जाओ, अंगूर का गुच्छा खाते रहते थे, जैसा कि हम लोग ने देखा है, ठीक है। और बाकी थोड़ा पढ़ा भी है हिस्ट्री में, ठीक है, तो उस हिसाब से बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे यार वीडियो कमाल की थी, हर बार और तालिब भाई की वो जो नवाब वाली आत्मा घुस गई थी ना अंदर, वो बढ़िया लगी थी। तुम दोनों कौन हो? हम नवाब हैं, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं रखते अपने साथ, हम अपना दोस्त क्यों बनाएंगे तुम्हें। एक्टिंग में ज़्यादा ही घुस गए थे, और उनके बाप ने पूरी एक ही झापड़ में पूरी नवाबी उतार दी, और बेचारे कच्चा बनियान पहन के निकले, दूध देने जा रहा हूँ लाला के दुकान पे। Oh God, यार सो फैंटाबुलस यार, बहुत ही ज़्यादा मस्त वीडियो थी, एंड आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। एंड यही होता है भैया, नवाबों का खजाना है, मैं सिर्फ नवाब को दूंगा, है ना। तो किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि हाँ पता नहीं वो चीज़ सच भी है या नहीं है या क्या है, है ना। कुछ भी सोच के, अखबार में कुछ भी छपा हो, उस हर चीज़ को सच मान लेना भी गलत होता है आजकल, खासकर आजकल के मीडिया या अखबार पर टोटली पूरी तरह 100% आप रिलाई नहीं कर सकते, उस चीज़ को 100% सच नहीं मान सकते, है ना। आजकल तो आंखों देखा भी कभी कभी धोखा निकल जाता है, तो वो तो फिर भी मीडिया एंड अखबार वगैरह है। सो काफ़ी अच्छी वीडियो थी, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।